चंपत राय जी राम जन्मभूमि आंदोलन से बहुत सालों से, मेरे ख्याल से 4 दशक से अधिक काल जुड़े हुए हैं। वो विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष है और अभी जो ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है उसके जनरल सेक्रेटरी भी है। मंदिर निर्माण में राम मंदिर का उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और उनके साथ बातचीत करना ये अपने आप में एक बहुत ही हमारे लिए एक अच्छा अनुभव है, ऐसा मुझे आश्वासन है। तो चंपतराय जी, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन इसलिए कि आज ही आपने राम मंदिर का गर्भगृह का फोटो रिलीज किया है, वो देखकर जी ऐसा लगता है, वो फोटो देखकर ऐसा लग रहा है कि मंदिर का काम लगभग पूरा हो चुका है और जिस दिन के सब लोग, सब हिंदू समाज जी इको से प्रतीक्षा कर रहा था, वो समय अब बिल्कुल नजदीक आ गया ऐसा मैं मानता हूँ। तो ऐसा बताया जाता है कि राम मंदिर एक हिंदू एकता का प्रतीक माना गया है। जो भी कुछ हिंदू है वो सब अपने आप में जो भी मतभेद है, भेद है, वो भूलकर, उसको बाजू हटाकर राम मंदिर के विषय में एकजुट होकर ये जो संघर्ष चल रहा है वो संघर्ष कर रहा है। हमें ये बताया गया है कि राम मंदिर का जो निर्माण है उसमें हम एक समरसता का भाव लेकर, सब राम कैसे जनजाति के हैं, राम सब समाज के हैं, ऐसा लेकर उसको एक थीम बनाया गया, ऐसा हमें बताया गया है। तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा हमें बता सकते हैं, आर्किटेक्चर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, किन किन के मंदिर है, मंदिर का प्रत्यक्ष निर्माण कैसे हो गया, उनमें हमें बताया गया संत वाल्मीकि का मंदिर है, शबरी जी का है, ऐसा कुछ। तो आपकी जानकारी बिल्कुल सही है और मैं आपको एक और समाचार दे दूं, आज ही उस मंदिर में जटायु को स्थापित किया गया है। क्या बात है, अच्छा। अब जटायु राम के समकालीन है। जटायु एक ऐसा कैरेक्टर है जो सीता जी की रक्षा के लिए स्वयं बिना किसी के कहे और रावण से भिड़ गया आकाश में और तब तक जीवित रहा जब तक उसने राम को सीता की डायरेक्शन और पता नहीं बता दिया। अब ये जटायु वैसे तो समाज में पक्षी ही है लेकिन हम समझते हैं इसका कोई ना कोई सोशल इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस है। जरूर जरूर है। महर्षि वाल्मीकि एक ऐसा करेक्टर है जो राम के समकालीन है और भारतवर्ष में आदि कवि माने जाते हैं। अच्छा। और राम का जीवन समाज के सामने सबसे पहले प्रकट करने वाला व्यक्तित्व है तो वाल्मीकि है। माता जानकी जी का पालन करने वाला व्यक्तित्व वाल्मीकि है। जानकी जी के दोनों पुत्रों को सब प्रकार से और युद्ध में प्रशिक्षित करने वाला चरित्र वाल्मीकि है। तो हम वाल्मीकि के इस सामाजिक, आज की दृष्टि से मैं सामाजिक कहूंगा लेकिन राम के समकालीन एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जीवन पढ़ना ही चाहिए, जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। अच्छा। तो वाल्मीकि का मंदिर राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बनाया जाएगा। अच्छा। कलयुग में 21वीं शताब्दी में आप इसको सोशल इम्पोर्टेंस जोड़ सकते हैं। भगवान राम के कुल गुरु है वशिष्ठ लेकिन युद्ध कौशल सिखाने का जो काम है वो महर्षि विश्वामित्र ने किया है। अच्छा। इन दोनों ऋषियों के मंदिर बनाए जाएंगे। अच्छा।
दक्षिण भारत में एक ऋषि हुए हैं भरद्वाज। अच्छा नहीं, महर्षि अगस्त अगस्त। अच्छा, अगस्त ऋषि ने राम को एक मंत्र प्रदान किया है और वो मंत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र। अच्छा, रावण से जब वो युद्ध शुरू होने लगा तो राम को विजय प्राप्त करने के लिए मंत्र दिया गया, तो महर्षि अगस्त का मंदिर बनाया जाएगा। अच्छा, अगर आप सामाजिक कलयुग की 21वीं शताब्दी की एक सोशल सिग्निफिकेंस का विचार करें तो जोड़िए ये किस वर्ण के लोग हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अच्छा, राम को जब वनवास हो गया तो अयोध्या से लगभग 150 किलोमीटर दूर उनको गंगा पार करनी थी। अच्छा, तो गंगा पार करने के लिए मल्लाह की आवश्यकता थी। अच्छा, तो मल्लाह का एक राजा है, उसका नाम है राजा गो। अच्छा, और वो निषाद राज कहलाता है। अच्छा, ओके। आज भी उत्तर भारत में गंगा यमुना के किनारे रहने वाला ये समाज केवट बिंद ऐसे तमाम टाइटल से जाना जाता है। अच्छा, और ये बहुत ही आज कलयुग में राम के काल में तो निषाद एक राजा है, लेकिन आज ये बहुत ही सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक, आर्थिक, व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही पीछे चला गया है दुनिया में। अच्छा, निषाद राज से राम की पहली बार दोस्ती हुई है। अच्छा, ओके। और निषाद राज एक ऐसा व्यक्तित्व है, केवट एक ऐसा व्यक्तित्व है जो राम को नदी तो पार कराता है परंतु अपनी शर्तों के आधार पर। अरे ओ, अच्छा, राम को बाध्य करता है कि पहले आपके चरण धोऊंगा। ओ, राम को बाध्य करता है कि मैं तुम्हें उतार रहा हूं, तुम मुझे उतार देना जब मैं तुम्हारे सामने आऊं। अच्छा, मरने के बाद तक का मोक्ष राम से मांग लेता है। अच्छा, हम उस निषाद राज की मंदिर वहां बनाएंगे। अच्छा, ओके। आप गंगा यमुना के तट पर रहने वाला ये समाज इसके सोशल इम्पोर्टेंस को कलयुग में 21वीं शताब्दी में अध्ययन करिए। अच्छा, वनवास में एक माँ उनको मिली है और वो पहले बेर को चखती है। अच्छा, फल को चखती है फिर राम को खिलाती है। माता शबरी का मंदिर वहां बनेगा। अच्छा, किसी कारणवश किन्हीं परिस्थिति में किसी के श्राप के कारण एक नारी एक ऋषि पत्नी पत्थर बन गई है। अच्छा, और राम उस पत्थर को स्पर्श करते हैं, वो नारी प्रकट हो जाती है। अच्छा, ऋषि पत्नी अहिल्या। अच्छा, मंदिर बनेगा। राम ने कभी अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए वो। अच्छा, लेकिन जटायु पक्षी की गर्दन को अपनी गोद में रखकर उसका तिलांजलि किए। ओ, अच्छा, आप ये विचार करिए कि निषाद राम सूर्यवंशी। अच्छा, राम एक राजा के पुत्र, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र,
और इनकी तुलना में निषाद राज कौन है, शबरी कौन है, जटायु कौन है। तो ये राम के जीवन का एक बड़ा व्यापक संदेश दुनिया को है कि राम ने सबको अपनी आत्मा में देखा है, जैसे मेरी आत्मा ऐसे ही इनकी आत्मा। यही संदेश तो आज दुनिया को देना जरूरी है। अच्छा, आज यही इसी संदेश की आवश्यकता है। अच्छा, तो ये मंदिर वहां बनाए जाएंगे। अच्छा, कई हजार साल पहले एक शंकराचार्य नाम का बालक जो शंकर है आचार्य बन गया शंकराचार्य, और पैदल यात्रा केरल से बद्रीनाथ तक की। उन्होंने समाज को देखा समझा होगा, समाज तमाम प्रकार के देवी और देवताओं की पूजा करता है। उन्होंने पंचायतन शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा, पंचायतन यानी क्या है? तो पंचायतन का पहला है विष्णु। अच्छा, दूसरा है शंकर। तीसरा है भगवती। चौथा गणपति। पांचवा सूर्य। अच्छा, और शंकराचार्य ने कहा किसी एक को प्रेजाइडिंग रीति बीच में रखो, चार चारों के मंदिर बनाओ, तो चारों प्रकार के देवताओं की उपासना करने वालों को उन्होंने एक में डाल दिया। अच्छा, पंचायतन पूजा जिसे बोलते हैं, इसको सोशल इंटीग्रेशन में आता है कि नहीं? अच्छा, तो ये संदेश इस मंदिर से जाए, इसलिए ये सारे मंदिर वहां बनाए जाएंगे। अच्छा, राम को जंगल में सर्वाधिक सहयोग करने का काम किया हनुमान ने। वानर, अगर संधि विच्छेद कर दूं तो वनों में निवास करने वाले नर। हनुमान जी का मंदिर वहां बनाया जाएगा। हनुमान जी जैसा सेवक जिसने अपने नाम की कामना जीवन में कभी की नहीं, ये संदेश दुनिया को कैसे दिया जाए कि हनुमान जैसे गुणों का अर्जन करो। तो ये सारे इस मंदिर की वास्तुकला का हिस्सा है। अच्छा, पार्ट एंड पार्सल। पार्सल। अच्छा, राम के जीवन में कहीं भी मनुष्य का मनुष्य से भेद प्रकट ही नहीं होता है। अच्छा, किसी भी स्थान पर ऐसा वर्णन नहीं आता, कोई जीवन में ऐसा प्रसंग नहीं है जिसमें राम के किसी आचरण से कोई भेदभाव प्रकट होता हो। तो ये राम ही एक ऐसा तत्व है। वाल्मीकि ने राम का जीवन लिखा, वाल्मीकि रामायण कहलाता है। अच्छा, लेकिन राम का जीवन तमिलनाडु में कंब रामायण के रूप में पाया जाता है। मलयालम में आध्यात्म रामायण के रूप में पाया जाता है। और उत्तर भारत में 500 साल पहले लोक भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। अगर सारे भारत का विचार कर लें तो सभी भाषाओं में राम का जीवन है। कोई कहता है 60 प्रकार की राम का जीवन है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। राम ने
शंकर को अपना पिता कहा है। अच्छा, और शंकर राम को अपना पिता मानते हैं। ये कितना बड़ा दो भिन्न भिन्न प्रकार की उपासना पद्धतियों के अंदर वननेस एकात्मता का सूत्र है। एकात्मता सूत्र है। अच्छा, तो राम ये एकता से आगे बढ़कर ये आंतरिक वननेस का प्रतीक है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, संपूर्ण भारत के हर राज्य में राम की उपासना पाई जाती है। क्यों? दक्षिण में आप पता करिए, श्रावण के महीने में घर घर में कुंब की और आध्यात्म रामायण पढ़ी जाती है। अच्छा, अब राम तो हुए उत्तर में अयोध्या में, केरल तमिलनाडु है 2000 किलोमीटर दूर दक्षिण में, तो ये राम का जीवन ही ऐसा है जो जीवन समाज को एक सूत्र में बांधता है। और हम इसको अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर रोज। अच्छा, अयोध्या में लगभग 3000 मंदिर हैं। अच्छा, और यहाँ 3000 मंदिर में 32 प्रकार की जातियों के मंदिर हैं। ओ अच्छा, मैं सारी जातियों के नाम आपको भेज सकता हूं। ओ, और सारे मंदिरों में केवल राम की उपासना होती है। अच्छा, राम के अलावा और कोई उपासना 3000 मंदिरों में नहीं है। अच्छा, अब यहां सिखों का गुरुद्वारा है। यहाँ एक गुरुद्वारा ऐसा है जहां गुरु नानक देव 500 साल पहले आकर ठहरे। अच्छा, उसको ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा कहते हैं। अच्छा, अब ये गुरु नानक देव तो राम की परंपरा के हैं, सूर्यवंशी है। यहाँ पर एक जैन मंदिर है जिसे 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि माना जाता है। अच्छा, और सबसे पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव। ये सूर्यवंशी है। ये सारे मंदिर अयोध्या में है। तो ये अयोध्या या राम ये देश को एक सूत्र में बांधने वाला एक बहुत बड़ा बाइंडिंग फोर्स है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, अभी हमने मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया था। अच्छा, तो हमारे कार्यकर्ता मिजोरम के किसी राजनेता के यहाँ चले गए। अच्छा, तो राजनेता कहता है हमारे तो राज्य में भी राम लिखा हुआ है, मिजोरम। ओ अच्छा, ये एकदम कार्यकर्ता भौचक के रह गए, क्या हो रहा है। और उसने अपना अंशदान मंदिर निर्माण के लिए दिया। अच्छा, बौद्धों ने दिया, देश के लगभग 10 करोड़ लोगों ने दिया। अच्छा, 10 रुपए की राशि कौन देता है? तो जो समाज का सबसे निचले आर्थिक जीवन पर खड़ा हुआ व्यक्ति है। मैं स्वयं अयोध्या फैजाबाद में 4 दिन तक सड़क पर हाथ फैलाकर घूमा हूं। अच्छा, और सड़क पर जीवन यापन करने वाला मोची जो जूते गाट रहा है उसने मुझको दिया है। अच्छा, तो राम राष्ट्र की एकता का प्रतीक माना गया है, नहीं है। अच्छा, और एकता से अगला शब्द है एकात्मता। एकात्मता या आंतरिक। अच्छा,
आंतरिक आंतरिक भाव है इसमें। और राम के जीवन में कुछ भी हम यहाँ ऐसा नहीं बनाएंगे, या वही चीज बनाएंगे जो राम के जीवन में प्रकट हुई है। अच्छा तो इस सूत्र को लेकर राम, हाँ बोलिए बोलिए आप। इस भारत में 1000, 2000, 4000 साल सतयुग त्रेता द्वापर इसमें जितनी घटनाएं हुई है जो भारत में कहीं ना कहीं पूज्य मानी गई है, उन सब का समावेश और पत्थर की प्रतिमाओं के रूप में यहां होगा। अच्छा ओके। फाइबर की प्रतिमाओं के रूप में होगा। ये फाइबर पत्थर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लॉन्गिटिविटी इनकी लाइफ लंबी हो जाए। तो ये हमारी मंदिर का जो सारा कॉन्सेप्ट है ये केवल पुण्य प्राप्त करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है भारत को एक जगह एकत्र करने का कॉन्सेप्ट। अच्छा भारत को एकत्र करने का कॉन्सेप्ट है। अच्छा आपको आश्चर्य होगा यहाँ बहुत विशाल रविदास मंदिर है। अच्छा यानी मैं कह रहा हूं कम से कम 32 जातियों के मंदिर हैं जो मेरे पास लिखे रहते हैं। अच्छा और सब में भगवान राम की उपासना होती है। ऐसा मेरा सोच है। अच्छा ऐसा मेरा अध्ययन है मेरा। अच्छा अच्छा आपका कहने का मतलब यह है कि आप इसके पूरी एक तरफ धर्म के आगे चलकर एक राष्ट्र निर्माण के लिए, जैसे आपने कहा करेक्ट लिखे राम इज द बाइंडिंग फोर्स फॉर द एंटायर नेशन, तो इसी सूत्र को अगर आगे आगे लेकर आपने जो अभी 22 तारीख को जो फंक्शन होगा मंदिर जिसका, उसके बारे में कुछ सोच के रखा है क्या, कैसे करेंगे आपको? हाँ रखा है, प्रिंसिपल रखा है, उसके बारे में बता सकेंगे आप? हाँ हाँ बताएंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। अब ये 22 जनवरी उत्तर भारत में सर्दियों का अत्यधिक सर्दियों का काल है या वर्षा होती है, आकाश में बादल छाए रहते हैं, कोहरा बहुत पड़ता है, कई बार कई दिन तक सूर्य के दर्शन ही नहीं होते, तो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ हिंदुस्तान की कम से कम 125 प्रकार की परंपराओं के साधु यहाँ पर आवे। अच्छा अब 125 प्रकार की परंपराएं कहने से प्रकट नहीं होती बात, तो ये आसाम के सेवन सिस्टर्स, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल, यहाँ के अंदर यहाँ का समाज किनको अपना धर्म गुरु मानता है उनको नाम लिखकर बुलाया जा रहा है। अच्छा वनवासी समाज जिसको आज दुनिया में आदिवासी कहा जाता है, ये किसको अपना धर्म गुरु मानते हैं, उन्हीं के बीच में रहने वाला सन ऑफ द सॉयल। अच्छा सन ऑफ द सॉयल उनके नाम लिखे गए हैं, एकत्र किए गए हैं। अच्छा देश में वाल्मीकि समाज, रविदासी समाज, बंजर समाज, समुद्र के किनारे रहने वाला समाज, ऐसे हमने परंपराएं, गुरु परंपराएं,
दार्शनिक परंपराएं, सभी भाषा भाषी राज्य, मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर भारत सरकार को कमिश्नरी मान लिया जाए तो हिंदुस्तान में जितनी कमिश्नरी होंगी उस सब से साधुया आएगी। अच्छा, ये कितना बड़ा नेशनल इंटीग्रेशन का या एक लघु भारत का दर्शन यहाँ होगा। अच्छा, हाँ 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 हाँ, लोगों से तीन कई प्रकार से संपर्क साधा जा रहा है, टेलीफोन किए जा रहे हैं। अच्छा, 10% लोग ऐसे आ रहे हैं जो अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। अच्छा, एज फैक्टर है। या तो इतना उत्साह है और यहाँ दर्शन होगा। अच्छा, अब मैं साधुओं से अलग हटकर चलता हूं। अच्छा, समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में भारत का मान बढ़ाने वाला खिलाड़ी, वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, कवि, पत्रकार, भारत में आत्मनिर्भरता के लिए काम करने वाले बड़े बड़े औद्योगिक जगत, देश के लिए जिनका जीवन जाना गया, ऐसे रिटायर्ड प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, सेना में भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए उनकी पराक्रम और वीरता के लिए सरकारों ने उनको पुरस्कार दिए, ऐसे परिवारों के कोई व्यक्ति परमवीर चक्र मरणोपरांत, उसके परिवार के कौन है, कारगिल युद्ध में पराक्रम करने वाला एक नौजवान, उसको परमवीर चक्र मिला, वो जिंदा है, वो उत्तर भारत में कौन सी जाति का है। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया, हो सकता है कोई उनको न जानता हो, अनेक लोग जानते हो, उनके परिवारों का कोई देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ऐसे भिन्न भिन्न समाजों के अंदर यश प्राप्त करने वाले लोग भारत का समाज दुनिया में रहता है। 50 देशों से एक देश से एक रिप्रेजेंटेटिव, तो इतना बड़ा होमवर्क अच्छा इस काम के लिए किया गया है ताकि संपूर्ण भारत यहां पर आवे। अच्छा, साधु संतों के माध्यम से आएगा, गृहस्थों के माध्यम से आएगा। अच्छा, यहाँ की कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन है कंस्ट्रक्शन साइट पर बैठने के लिए कितना स्थान अवेलेबल है। हम कोशिश कर रहे हैं 8,000 कुर्सियां वहां पर डाली जा सके। अच्छा, डाली जा सकेंगी, डाली नहीं जा सकेंगी, ये तो तय होगा दिसंबर के अंत तक। लेकिन स्थानों को कुर्सी डालने लायक बनाने के लिए काम शुरू हो गए। अच्छा, उतनी स्पेस मिलेगी तो कुर्सी डाली जाएगी। तो मैं फिर कहूं हम नहीं आएंगे नेगेटिव उत्तर देने वाला एक आदमी भी नहीं मिला। क्या बात। अच्छा, हम असमंजस में है, किसको मना करें। लेकिन उसमें से ज्यादा
उसमें से दो बातें निकलती है, जो उस दिन जो भाई भाई जानेरी को जो भी कुछ धार्मिक विधि होंगे उसमें भी उनका कुछ सहयोग है ऐसा हमने सुना है, कुछ कपल्स आपने सुने हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा तो अच्छा होगा, हमारी कल्पनाएं जब बाद में साकार हो जाएंगी तब आप बहुत अच्छा लगेगा। ओके ओके, बहुत तो अच्छा लगेगा। ओके ओके, आप उस दिशा में कुछ सोच रहे इसका मतलब है? उस दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, यू कैन सोच ही नहीं रहे हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है ठीक है, दूसरे उसमें से एक बात और निकलती है, ये तो बात हुई जो लोग बोलिए बोलिए आप चंपा सर जी बोलिए आप। हम इसमें वी विल गेट द सक्सेस। ओके ओके गुड, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ, और ये एक बात अयोध्या में जो लोग आने वाले हैं आना चाहता है उनकी बात होगी, दूसरी बात ये है जो लोग अयोध्या में आ नहीं सकेंगे लेकिन सामाजिक एकता की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको उनकी तरफ जाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या? तेज पर विश्वेंदु परिषद हो और बाकी कुछ संगठन हो, कुछ कर रहे हैं क्या और वो क्या है? हमने दो प्रकार से प्रयास किया है। अच्छा, समाज को सूचनाएं दी है। अच्छा, पहला प्रयास 22 जनवरी 2024 सोमवार प्रातःकाल 10 बजे अथवा 10 बजे के आसपास अपने जहां आपका निवास स्थान है जिसको कहेंगे हाउस होम नाइट हॉल्ट नाइट स्टे, उसके नियरेस्ट जो भी मंदिर है जिस किसी देवी का है देवता का है, बहुत छोटा है खंडर है लेकिन उसी मंदिर में इकट्ठे होइए। अच्छा, जो देवी देवता की भजन पूजन आरती वहां हमेशा होती है उसी देवी देवता का भजन कीर्तन आरती गुणगान करिए। सभी देव एक हैं, पंचायतन, देवता अलग अलग नहीं है, सबके अंदर एक ही तत्व है और वैसा ही आनंद अपने गांव में मनाइए। जो यार नहीं आ सकेंगे उसको वैसा ही आनंद मनाने का अवसर हम उनके गांव में दे रहे। अच्छा, ये एक बात है। ये हिंदुस्तान एक है, इसकी अनुभूति दुनिया को भी करानी है ना। शाम को सूर्यास्त के बाद समाज अपने घर के सामने 5 दीपक जलाए। अच्छा, 500 साल के निरंतर प्रयत्नों के पश्चात हमने हिंदुस्तान के सम्मान की गौरव की रक्षा करने में सफलता पाई है। एक विदेशी आक्रमणकारी ने 500 साल पहले मंदिर नहीं तोड़ा, मंदिर के माध्यम से हिंदुस्तान के मान को ठेस पहुंचाई। हमने उस सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा की है। अच्छा, नहीं लेकिन ये जो प्रयास जो जो लोग जो वर्ग जाति भेद कारण और किसी कारण के लिए थोड़े से समाज से जो थोड़े से विलोप हो गई उनको फिर एक बार धर्म की तरफ हिंदुत्व की तरफ आकृष्ट करने के लिए आप कुछ इस दौरान कुछ प्रयत्न करते हैं, स्पेशल एफर्ट जिसको बोल सकेंगे। जैसे हमने सुना कि अक्षता लेकर आप सबको इनवाइट करने वाले हैं, ऐसा कुछ अगर हो तो। हाँ, मैं अब दूसरे प्रयास की ओर जा रहा हूं। अच्छा, हमने अयोध्या से अक्षत की पूज की है। अच्छा,
और भारतवर्ष के 100 केंद्रों पर वो अक्षत पहुंचाए गए हैं। अच्छा, 100 केंद्रों के कार्यकर्ता इकट्ठे अयोध्या आए, 5 किलो की मात्रा में अक्षत पूजन करके अपने अपने सेंटर्स पर ले गए। अच्छा, अब वो उनके केंद्र के चारों ओर कितने जिले हैं, वो धीरे धीरे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, और धीरे धीरे ये पूजित अक्षर गांव में जाएगा। अच्छा, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इस देश के कम से कम 5 लाख मंदिरों के क्षेत्रों में ये अक्षत घर 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 दूत आने पहुंचाए जाएंगे। अच्छा, अब ये स्थानीय कार्यकर्ता करेंगे। अच्छा, अब ये अक्षत हमने लद्दाख तक पहुंचाने की कोशिश की है। ओ अच्छा, अंडमान निकोबार तक पहुंचाने की कोशिश की है। क्या बात है, अच्छा ये कितना बड़ा प्रयास है। सत्संदी सत्संदी एक थर्ड एंगल बता रहा हूं। अच्छा अच्छा, जब ये काम पूरा हो जाएगा तो लाखों कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी हम भी अयोध्या जाएंगे। अयोध्या बहुत छोटा सा टाउन है। अच्छा हाँ, आज अयोध्या को और फैजाबाद को मिलाकर एक कॉरपोरेशन बना दिया है। तो कॉरपोरेशन की पॉपुलेशन तो 4.5 लाख हो गई। लेकिन अगर 4 साल पुराना अयोध्या मान लिया जाए तो उसकी पॉपुलेशन केवल 55 से 60 हजार है। अच्छा, ओहो। और इस 55 से 60 हजार आबादी में ही 3 हजार मंदिर है। एक जवान आदमी अगर एक कोने से पैदल चलेगा तो 45 मिनट में दूसरे कोने पर पहुंच जाता है। हमने इन सब को दिनांक निश्चित किए हैं। ओ अच्छा, अमुक दिनांक को अमुक जिलों के लोग इतनी संख्या में अयोध्या जरूर आ सकते हैं। अच्छा, रोका किसी को नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन हमारा कार्यकर्ता इतना आ सकता है। नहीं, नहीं, नहीं। हमने 1 महीने तक 26 जनवरी से 26 फरवरी तक औसत 5,000 लोग प्रतिदिन कार्यकर्ता। अच्छा, ये इतनी बड़ी फोर्स आएगी तो ये एक अपने डिसिप्लिन एक मैनेजमेंट तैयार करने की चेष्टा की है ताकि उन्हें यहाँ पर रात्रि निवास मिल सके। हम आज भी ये कहने में असमर्थ है कि अयोध्या में कितने लोग रोज आएंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि 2 लाख तक व्यक्ति रोज आया करेगा। ओके, धीरे धीरे ये व्यक्ति अब ये 2 लाख लोग ये किसी की सबके अपने अपने गुरु स्थान है यहाँ पर। ये 2 लाख लोग भोजन कहाँ करें। हम कम से कम 40 स्थानों पर रसोई चलाएंगे। अच्छा, समाज का कोई आदमी कहीं भी 2 बार भूख लगती है 4 बार इच्छा होती है खाने की कहीं भी लाइन में खड़ा होगा उसको भोजन मिलेगा। अच्छा, इससे अपनी अयोध्या के हर कोने में। अच्छा, संपूर्ण अयोध्या के हर कॉर्नर पर होगा। ये राष्ट्र को बांधने का यह हमारा कोई स्पेशल एफर्ट नहीं है। जिस मठ में हम जा रहे हैं वही प्रसन्नता से कह रहा है। अच्छा, अयोध्या में एक मुस्लिम परिवार हमारे पास आया। अच्छा, मेरे पास इतनी जमीन है मैं सारी पानी बिजली शौचालय बनाऊंगा
आप यहाँ भोजनालय चलाइए, मैं खुद खिलाऊंगा अपने हाथ से। क्या बात है। अच्छा, और हमने उसको एक्सेप्ट किया है। अच्छा अच्छा, तो हमने दो कार्यकर्ताओं को कहा मेडिकल कॉलेज में संपर्क करो, 150 नौजवान डॉक्टरों ने अपने को ऑफर किया है, हम अयोध्या आएंगे, चार दिन, आठ दिन, पांच दिन चिकित्सा, जिसकी जो नीडी पर्सन होगा। तो ये बिना प्रयत्नों के थोड़े थोड़े एफर्ट से हो रहा है। नहीं, आप इतने सारे प्रयास कर रहे हैं समाज को एक सूत्र में लाने के लिए, राष्ट्र को एक नया निर्माण करने के लिए, लेकिन कुछ तत्व देश में आज भी ऐसे है जो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हुए दे आर इन अ वे ट्राइंग टू मिसलीड द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, मैं बता सकता हूँ आपको कि कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं प्रोपोगंडा कि ये राम जन्मभूमि आंदोलन है जो वो नॉर्थ में है, साउथ में कोई असर नहीं पड़ता है, एंड लाइक दैट। आप उसका काउंटर कैसे करेंगे? आप उसके नहीं, कोई काउंटर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जरूरत क्या नहीं लगती आपको? अच्छा, कुछ भी नहीं लगती, मैं बताता हूँ। आज ही मेरे पास चेन्नई के लोग आए कि हम यहाँ भोजन कराएंगे जनता को। अच्छा, यहाँ की भाषा में उसको भंडारा कहते हैं। हाँ, भंडारा, या पंजाब की भाषा में उसको लंगर कहते हैं, लंगर बोलते हैं। हाँ हाँ, और साधुओं की भाषा में उसे अन्य क्षेत्र बोलते हैं। आज ही नागपुर के लोग आए। अच्छा, तमिलनाडु के लोग आए। ये प्रकार क्रमांक एक है। अच्छा, अरे भाई, कुछ लोगों के मन में, किसी के मन में ये चाह थी कि यहाँ मेरा नाम क्यों नहीं है। अच्छा, तो ये जो जिसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो वो भी तो कुछ करेगा। लेकिन ऐसे लोग भी इस मंदिर के वो नेगेटिव कुछ कर सकते हैं, लेकिन राम के तो वो भी भक्त है। अच्छा अच्छा, ओके। उनके घर में जाओगे तो वहां भी राम की प्रतिमा जरूर मिल जाएगी। ये छोटी मोटी बातें, समाज में इतना बड़ा समाज है, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। अच्छा अच्छा, तो उतना हमको टॉलरेट करना होगा, और इन बातों का समाज पर कोई इम्पैक्ट है ऐसा भी कोई अनुभव नहीं है हमारा। अच्छा, आप खान बोल नहीं। अच्छा, तो उसमें से एक एक बात ऐसे निकलती है कि आप इतना सारा प्रयास कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, मंदिर बनाने के बाद इसी सूत्र को कायम रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए आपके मन में कुछ विचार है क्या? आप हो और कोई बाकी हिंदू संगठन हो, हाउ दे प्लान टू स्ट्रेंथन दिस काइंड ऑफ स्पिरिट? मैं तो ऐसा कहता हूं, मानता हूं, राम का जीवन, इसका प्रचार प्रसार, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अच्छा, हम उसकी कोशिश क्या कर रहे हैं, सारे संसार में राम के जीवन को दर्शाने वाली जितनी विद्याएं, जितने ग्रंथ हैं, उन सबको यहाँ लाकर रखेंगे, जनता उन्हें देख सकेगी। अच्छा, अब देखो, अभी हम बहुत प्राइमरी स्टेज में हैं, अभी तो केवल मंदिर बना रहे हैं, और मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। इसको ही करने में शायद अभी हमें 2 साल और लगेंगे। अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, उसके बाद अन्य बातों की ओर ध्यान धीरे धीरे जाएगा। अच्छा, हर चीज लिखी हुई है। ओके ओके, हाँ, हर चीज इन राइटिंग है। अच्छा अच्छा, तो एक आखिरी सवाल ऐसा है कि 40 बरस हो गए हम राम मंदिर का आंदोलन, लगभग 80s में शुरू हो गया,
तो इतना इतना 40 बरस क्यों लग गई है? वैसे तो ये संघर्ष बहुत पुराना सा है, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में जो आंदोलन हुआ, लीगल होल्डर्स, कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज एंड एवरीथिंग, आई डू थिंक दैट इट टुक सो मच टाइम, एंड व्हाट डू फील अबाउट गेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल दिस? सब हमारे शास्त्रों में एक वचन मैंने सुना है और पढ़ा भी है। शास्त्रों में एक वचन है, बड़े काम की बड़ी बाधाएं। अच्छा अच्छा ओके ओके हाँ। हिंदुस्तान को पारतंत्र से मुक्त कराने के लिए हिंदुस्तान के समाज ने 1000 साल तक निरंतर संघर्ष किया, प्रयत्न किया, अपने अपने ढंग से किया। तब 1000 साल बाद 15 अगस्त 1947 आया। हम प्रारंभ करेंगे मोहम्मद बिन कासिम 8वीं शताब्दी सिंध से। अब सामाजिक परिस्थितियां नहीं होंगी। अयोध्या की जनता ने 1528 से लगातार पहले दिन से लड़ाई लड़ी। अच्छा। और केवल अयोध्या नहीं, तो पास पड़ोस की महिलाओं ने, साधुओं ने, छोटी छोटी रियासतों के राजाओं ने लड़ी है। महिलाओं ने लड़ी है घोड़े पर बैठकर, तलवार हाथ में लेकर। हर कदम में एक कदम आगे बढ़ गए, हर लड़ाई में एक कदम आगे बढ़ गए, पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं हटे। संपूर्ण समाज की भागीदारी, ये शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण 1984 में संभव हो पाई। अच्छा अच्छा तो भी 8 वर्षों के निरंतर प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप मेरा एक व्यक्ति के रूप में यह आकलन है कि हम देश को 3-4% जनता तक ही टच कर पाए। ओ अच्छा। अरे डॉक्टर हेडगेवार 1925 में कहते थे ग्राम की 1% और शहरों की 3% जनता। अब 10 करोड़ लोगों का हमारा आकलन है कि उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए समर्पण किया। आज की टोटल पॉपुलेशन क्या क्या परसेंटेज होगा? अरे 10% भी नहीं है, 8%, 9%, 8%। तो 2.5-3% समाज हमारे समाज की शायद भूलने की स्थिति भी ज्यादा है, जल्दी भूलता है। अच्छा। हमारा समाज शायद जल्दी सो भी जाता है और बहुत सारी बातों में अरे भगवान करेगा जब करेगा हो जाएगा, तो भगवान के नाम पर चुप हो जाता है। अच्छा। उसको जगाना पड़ता है। तो भी मैं समझता हूँ 8 वर्षों में ये काम हो गया। 7 अक्टूबर 1984 से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक। अब ये लीगल बैटल है, लीगल बैटल 1950 में शुरू हुई थी। अच्छा। पहला सिविल मुकदमा 1950, दूसरा सिविल मुकदमा एक साधु के द्वारा 1950, तीसरा एक सिविल का मुकदमा एक साधु परंपरा के द्वारा 1959, और समाज ने उस स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया 1949 को। मुस्लिमों ने अपना वाद सिविल सूट दायर किया है 1961। बड़े आश्चर्य की बात है कि 1949 से 61 तक मुस्लिम समाज ने किसी प्रकार का कोई नहीं कुछ नहीं किया। एक और आपको आश्चर्य की बात बताता हूँ, 1984 से लेकर आज तक कभी अयोध्या फैजाबाद के 25 मुसलमान
राम जन्मभूमि के विरुद्ध सड़क पर इकट्ठे नहीं चले। अच्छा, पास पड़ोस में मुस्लिम पॉपुलेशन है, 5 मुसलमान कभी पैदल चलकर अयोध्या में विरोध करने के लिए नहीं आए। विरोध किया अपने घर में पत्रकारों के माध्यम से। अच्छा, अब ये लीगल एक प्रोसेस था कि कानून के द्वारा इसको वाइंड अप करने में 1950 से 2019 आ गया। इसकी व्याख्या मैं करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं आलोचना करनी पड़ेगी किसी की। उस आलोचना का कोई लाभ नहीं है, काम संपन्न हो गया। अच्छा, भगवान ने जब इच्छा, जब भगवान ने चाहा तब हुआ। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछता हूं मैं, या एक आखिरी सवाल ऐसा है कि हिंदुत्व का जो एक नया रूप सामने आया है, जैसे हमने बताया कि हिंदू एकता का प्रतीक माना गया है राम को, बताया जाता है राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से हिंदुत्व को व्यापक करने में कितने कैसा सहयोग रहा है, जाति भेद मिटाने के लिए हो, बाकी के मतभेद हो, जो भी कुछ हो, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक उदाहरण और देना चाहूंगा मेरे जीवन का। अच्छा, मेरा कार्यक्षेत्र आगरा में था। ये घटना 1989 की है। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं आगरा के निवास करने वाले सभी जातियों के क्या करूंगा, या यूं कहो तो उस मोहल्ले के लोग ही सब आ गए, जहां मैं बैठा था वहीं आ गए। नौजवान भी थे, बूढ़े भी थे। लड़कों ने मेरे से कहा, नौजवानों ने, राम के जीवन की अमुक घटना के बारे में आप बोलिए कुछ। अच्छा, मैं थोड़ी देर चुप हो गया क्योंकि मैं किसी नेगेटिव बात में हाथ नहीं डालना चाहता था। ओके, अब आप देखिए समाज, तत्काल एक बूढ़ा आदमी कहता है बैठ नीचे, ये राजनीतिक नहीं है। अच्छा, हाँ, एकदम एक बूढ़ा खड़ा हो गया। ये मेरे जीवन का अनुभव है। अच्छा, ये समाज के इस इंटरनल फीलिंग को अदर करना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती पर आगरा में एक शोभा यात्रा निकलती है, आज भी निकलती है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 14 अप्रैल को आगरा की उस शोभा यात्रा का दर्शन जरूर करो। अच्छा, 1985-86 में संघ के सामने ये विचार आया, ये जो राम बाबा साहब अम्बेडकर की शोभा यात्रा है जन्म जयंती की, ये अमुक बाजार में नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती भाई? तो संघ के कार्यकर्ताओं ने, मैं कहूंगा मैं भी उसका पार्ट एंड पार्सल हूं, मैं था विश्व हिंदू परिषद, सबने विचार किया हम उस रास्ते के व्यापारियों से बात करेंगे, क्या बाधा है आकर। तो जब प्रयास किया तो लोगों ने कहा कोई बाधा नहीं है। कभी 1947 में 46 में कोई दुर्घटना हो गई थी। अच्छा, और दुर्घटनाएं तो जीवन में होती रहती है। उसी बाजार से आज तक बाबा साहब अंबेडकर की यात्रा जाती है। अच्छा, आप उस शोभा यात्रा को अपने जीवन में दर्शन करिए।
अच्छा अच्छा ओके ओके ये हिंदुस्तान है, यहाँ का अयोध्या आगरा में चार कोनों पर चार मंदिर है शिव जी के, और श्रावण के महीने में उन चारों मंदिरों का दर्शन करने की परंपरा है बहुत दिनों से। अच्छा, अयोध्या अगर 50-60 लाख की 80 लाख की आबादी है तो लोग उसकी परिक्रमा करते हैं। अच्छा, मैं देश के तमाम आलोचकों से, आलोचना एक वृत्ति का नाम है, मैं उनसे कहूंगा कि सड़क पर दौड़ने वाले नौजवानों में से किन्हीं 10 नौजवानों को पकड़ो, अब पूछो तुम किस मोहल्ले करने वाले हो, जाति क्यों पूछते हो, मोहल्ला पूछ लो, मोहल्ला पूछते पता लग जाएगा उन 10 में से 8 किन मोहल्लों के रहने वाले। ये भारत है, ये भारत और ऐसे मेरे आयु में तो न जाने विश्व हिंदू परिषद के कारण भगवान किसके कारण मैंने ऐसे तमाम प्रयोगों को बिना प्रयोग की अनुभव किया है। अच्छा अच्छा ओके ओके, हाँ मैंने कोई जानबूझकर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए, स्पॉन्टेनियसली हो गया वो। आगरा के 50 नौजवान मोहल्लों के छाटे गए और सारे ब्रज मंडल की साइकिल यात्रा निकाली गई, संघ में होता ही काम। हमारे जिम्मे क्या काम था कि इनको मंदिरों में ठहराना है। अच्छा, और मंदिर सब वैष्णव के, सारे नौजवानों की साइकिल प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के आश्रम में गई। अच्छा, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने अपने हाथ से सबको प्रसाद दिया, अपने आश्रम में ठहराया, भोजन कराया, वो ये हमने प्रयोग किया है। अच्छा, मैं ऐसा समझता हूं राम उनका जीवन ये घर घर में जितना दिख जाएगा, हमारे मन के तमाम प्रकार के जो विचार हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक हो जाएंगे, ओके। धन्यवाद चंपत राय जी, आपने हमें बहुत लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त दिया, हमारे तरफ से आपके सारे जो आगे वाले आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारे शुभकामनाएं, और हम फिर जल्दी मिलेंगे, हमें हम आशा करते हैं कि आप हमें भी एक दिन अयोध्या बुलाएंगे, हमारा भी नंबर लग जाएगा अयोध्या में। महाराष्ट्र को दिन दिनांक निर्धारित किए हैं हमने। ओके ओके, कोई बात नहीं, तो अयोध्या में आकर हम जरूर आपसे साथ बातचीत करेंगे अच्छे से। फिलहाल तो हम अभी ये मुलाकात इधर खत्म करते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी, आभारी, धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम, सादर प्रणाम।